तो बहुत दिन बाद आज मैं रखे हैं मछली खाने का मन और मम्मा ने मेरे लिए मछली बनाया है। तो सबसे पहले मम्मा ने मछली को हल्दी डालकर धो दिया। वाह, और धोने का काम तो बहुत ही आसान था, बहुत बढ़िया से मेरी मम्मा ने धो दिया। उसके बाद मम्मा ने मिक्स किए मसाले, हल्दी, उसके बाद मम्मा ने डाला नमक, बेसन, गरम मसाला और सबको बहुत बढ़िया से मिक्स कर लिया। मछली खाना सबको अच्छा लगता है पर मुझे उतना पसंद नहीं, लेकिन आज मेरा बहुत मन करा था खाने का, इसलिए मेरी मम्मा ने आज उसे बना रही है और वो उसे मिक्स करने लगी है। गैस तरह से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मेरी मम्मी मेरे लिए चला देती है तो मैं देख रही थी कि हीट कितना हुआ है। और ये डाला हमने सरसों का तेल। मम्मा बोलती है कि सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है मछली में, तो मेरी मम्मा ने डाल दिया है इसे। और इसे तब तक रखना है जब तक कि गर्म ना हो जाए। उसके बाद फिर मम्मा ने ढेर सारी मछली के पीसेस डाल दिए जो मैरिनेट करके हमने रखे हुए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं पहले से अभी से। आपको इसको तब तक पकाना है जो कि थोड़े से लाल या गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। तो सारे पीसेस हमने फ्राई में दे दिए हैं और ये सब सारे फ्राई होकर आ गए हैं। मम्मा, इसके बाद फिर क्या करना है? सारे मछली पीसेस हम निकाल लेते हैं। जितने पीसेस हैं हमको लगभग 2 राउंड लगेंगे इसके लिए, और उसके बाद हम उसके लिए तरी बनाएंगे। आजकल के बच्चे रोज कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहते हैं, तो हमें तो उनका डिमांड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बचे पीसेस हैं इसी तेल में हम फ्राई कर लेते हैं और सबको निकाल लेते हैं। हमने सारे पीसेस को फ्राई करके निकाल लिया है। देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं ये सारे गोल्डन ब्राउन। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम निकाल लेते हैं और इसी बर्तन को हम साफ कर लेंगे, क्योंकि इसी में हम फिर अपने मछली के तरी को बनाएंगे। ठीक है, हमने साफ कर लिया। अब जो हमने ऑयल उठाया था उसी को हम इसमें डालेंगे। इसके लिए हम प्याज को छील लेते हैं तरी बनाने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई है। तरी बनाने के लिए हमें 2 प्याज, 3 टमाटर, अदरक लहसुन और मिर्ची, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। अपने हम मिक्सर जार में सारे को एक साथ ग्राइंड कर लेते हैं, जिसे हम पेस्ट में यूज करेंगे। चलिए, हमने इसे पेस्ट बना लिया है। अब हमने जो ऑयल उठा लिया था, एक्सेस ऑयल जो था, उसको हम यूज करेंगे। इस पेस्ट को उसी ऑयल में फ्राई करेंगे। ठीक है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तो जो ऑयल हमने निकाला था उसे हमने इसी कढ़ाई में डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद हम चेक करेंगे इधर प्रॉपर मात्रा है कि नहीं। उसके बाद फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बाद हमने जो अपना प्यूरी बनाया है उसे हम डाल देंगे। और मेरी मम्मी कितना स्पीड घुमा रही है ना, विस्क कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना ये कलर कितना प्रीटी आया है। उसके बाद मम्मा ने सारे सब अच्छे से चला लिया, सारी प्यूरी जो मम्मा ने डाला था। फिर मम्मा ने डाला बहुत ही बढ़िया ये मसाला जो हमने घर पे प्रिपेयर किया है, वो बहुत ही टेस्टी है। और उसके बाद मेरी मम्मा ने देखा कि हीट बढ़िया चल रहा है कि नहीं, फिर अच्छे से सबको मिक्स कर लिया। ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया और कड़ी पत्ता सब कितने बढ़िया। मेरी मम्मा ने बोला कि जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे तब तक इसे फ्राई करना है, तो हम तब तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे नमक, और इसके बाद फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा और हल्दी। तो उसके बाद सबको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स। उसके बाद थोड़ा देर तक इसे ऐसे ही उबालने तक रहने देंगे, थोड़ी ये बॉयल हो रहा है ना। इसके बाद हम गरम पानी डालेंगे। मेरी मम्मी बोलती है कि कोई भी सब्जी में गरम पानी डालने से उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बहुत अच्छी बनती है सब्जी, और उसका प्रोसेस चलता रहता है। तो ये अच्छे से हमारा ठीक से फ्राई हो गया है, तो हमने सोचा कि चलो अब पानी गर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी उसको देकर चढ़ा लेंगे और गर्म कर लेंगे उबाल आने तक, अच्छे से बबल्स आने तक। उसके बाद फिर जब देखेंगे अच्छा टेम्परेचर हो गया है, 2 मिनट इसको और फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद फिर गर्म पानी डाल देंगे। डालने से देखिए इसकी तरी बन गई है, पानी हो गया पूरा। उसके बाद इसे भी अच्छे से चला लेंगे, और थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी हम डाल देंगे पीस कर। ये स्वाद को बहुत ही एनहांस कर देता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद हम अपने सारे फिश के पीसेस को तरी में डाल देंगे, जितने भी हमने फ्राई किए थे। सारे पीसेस को डालने के बाद इन्हें अच्छे से थोड़ा सा चला लेंगे और धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप इसके लिए इसके ऊपर लिड लगा दीजिए ताकि ये थोड़ा और बढ़िया। ढक्कन लगा दिया है, अब इसको वेट करेंगे पकने।
और इसे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाए और ये खाने में और भी टेस्टी लगे। 10-15 मिनट बॉयल होने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि हमने पानी में जितने भी फ्लेवर्स डाले हैं वो मछली के अंदर तक चले जाए और खाने में हमें ये ज़्यादा टेस्टी लगे। ये सारे हमारे अब तैयार है तरी मछली के साथ। इसे हम थोड़ी देर में सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमारा तैयार है खाने के लिए। तो मम्मा इसे अब बोल में निकाल रही है और ये देखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं और देखने में भी। ये कड़ी पत्ता से हमने इससे थोड़ी सी गार्निशिंग दी है क्योंकि ये देखने में ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा था, इससे और सुंदरता बढ़ गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।